इस वीडियो में हम लोग समझेंगे किस तरह से थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट एक टाइप का इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटिंग स्टेशन होता है जहाँ पर हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थर्मल पावर प्लांट डिफरेंट मेन एलिमेंट से मिलकर कंसिस्ट होता है जिसके हेल्प से जो सिस्टम है वो ऑपरेट होता है यह एक टाइप का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है जो कि एक पर्टिकुलर फ्यूल पे डिपेंड रहता है दैट इज कोल इस ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझेंगे किस तरह से थर्मल पावर प्लांट में कोल के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होती है कोल स्टोरेज प्लांट कंट्री के ऑल पार्ट से रेल एंड रोड रूट के थ्रू कोल को कोल स्टोरेज प्लांट में ट्रांसफर करते हैं हम लोग कोल को स्टोर करके इसलिए रखते हैं ताकि ड्यूरिंग अस्ट्राइक और ट्रांसपोर्टेशन फेलियर प्लांट का जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रह सके इसके बाद उस कॉल को कॉल हैंडलिंग प्लांट में ले जाते हैं जहाँ पर कॉल को पलवराइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पल्वराइजेशन इज इट ब्रेक्स और क्रश्ड इंटू वेरी स्मॉल पीसेज कॉल को पल्वराइज करने से इसका जो सरफेस एक्सपोजर है वो इनक्रीज होता है जिसके कारण इसका कंबसन रैपिडली होता है नेक्स्ट मेन एलिमेंट इज बॉयलर बॉयलर एक क्लोज विसेल होता है जो कि वाटर को अस्टीम में कन्वर्ट करता है इस बॉयलर में प्यूरिफाइड वाटर को फिल्ड करते हैं एंड बॉयलर के ग्रेट पर पलोराइज कोल को सप्लाई करते हैं एंड ऑक्सीजन के प्रजेंस में जो कोल है उसका कम्बसन होता है मतलब कि वहाँ पे वो बर्न होता है कोल का जब कम्बसन होता है तो उससे फ्लूई गैसेज प्रोड्यूस होती है जिसका टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है और वो जनरेटेड हीट जो है वो इस ट्यूब में फ्लो करती है दैट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज फ्लूई गैसेज यहाँ पर मैंने फायर ट्यूब बॉयलर को कंसिडर किया है अनदर टाइप के बॉयलर का भी यूज किया जाता है दैट इज वाटर ट्यूब बॉयलर इसमें ट्यूब के अंदर फायर और हीट है इसलिए इसको फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं ट्यूब में जो हीट है वो वाटर में ट्रांसफ़र होता है और वी कैन से जो बॉयलर के अंदर वाटर फील्ड है वो इस ट्यूब से हीट को रिसीव करता है एंड जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एंड कोल बर्न होने के बाद जो एसेज बचता है उसका वो एस हैंडलिंग प्लांट से होते हुए एस स्टोरेज में स्टोर होता है एंड जो स्टीम जनरेट होता है उसको पाइप के थ्रू सुपर हीटर में ले जाते हैं जहाँ पर फ्लू गैसेज भी आती है सुपर हीटर का मेन पर्पस होता है वेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना बॉयलर में जो स्टीम प्रोड्यूस होता है इसमें मॉइस्चर पार्टिकल्स कंटेन रहता है और उस स्टीम को अगर हम लोग टर्बाइन ब्लेड पे स्ट्राइक कराएंगे तो ब्लेड में क्रोजन लग सकता है या फिर उसका लाइफ रिड्यूस हो सकता है इसलिए कंडेंस्ड स्टीम को सबसे पहले सुपर हीटर में ले जाते हैं जहाँ पे वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो सुपर हीटेड स्टीम है वो हाई प्रेशर के साथ टर्बाइन ब्लेड पे स्ट्राइक करता है तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम टर्बाइन रोटेट करने लगता है यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट रहता है जिसके हेल्प से स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं एंड रिक्वायर्ड प्रेशर के साथ टर्बाइन पे स्ट्राइक कराते हैं इस टर्बाइन को स्टीम प्राइम ओवर भी बोलते हैं जो कि स्टीम के काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है टर्बाइन साफ्ट के साथ अल्टरनेटर का साफ्ट कपल रहता है सो so, जब अल्टरनेटर को मैकेनिकल इनपुट मिलता है तो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी एसी नेचर की होती है जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से इंक्रीज करते हैं एंड नियर ग्रिड में ट्रांसमिट करते हैं जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करते हैं ताकि ट्रांसमिशन लॉस कम से कम हो सके एंड यहाँ पे जब स्टीम टर्बाइन ब्लेड पे स्ट्राइक करता है तो उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है इसके बाद उस स्टीम को कंडेंसर में हम लोग ले जाते हैं जहाँ पर स्टीम कंडेंस्ड होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एंड कूलिंग टावर के हेल्प से वाटर को कूल cool करते हैं बाई एटमोस्फेरिक एयर यहाँ पर सर्कुलेटिंग पम्प है जिसके हेल्प से वाटर को सर्कुलेट करते हैं एंड फीड वाटर पंप के थ्रू इकनोमाइजर में ले जाते हैं एंड फ्लुई गैसेज भी सुपर हीटर से निकलने के बाद इकनोमाइजर में जाती है सो फ्लू गैसेज का जो हीट है वो फीड वाटर पंप से आने वाला वाटर में ट्रांसफ़र होता है जिससे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एंड इस हीटेड वाटर को बॉयलर में ट्रांसफ़र करते हैं बॉयलर में जब हीटेड वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं तो बॉयलर को लेस इफ़र्ट्स रिक्वायर्ड होता है टू कन्वर्ट वाटर इनटू अ स्टीम जो इकनोमाइजर है वो ओवरऑल इफिशियंसी को इनक्रीज करता है बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ द बॉयलर देन आफ्टर फ्लू गैसेज को एयर प्री हीटर में ले जाते हैं एयर प्री हीटर बॉयलर से अटैच रहता है एंड इट लोकेटेड इन द पाथ ऑफ फ्लू गैसेज बॉयलर में कोल कम्बसन के लिए एयर का रिक्वायरमेंट होता है सो एयर प्री हीटर से एयर को सक करता है बाय द हेल्प ऑफ एफ डी फैन और फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन एंड जो एयर है वो फ्लूइड गैसेज से हीट को रिसीव करता है एंड हॉट एयर बॉयलर ग्रेट पर सप्लाई होता है हॉट एयर बॉयलर फर्नेस के टेम्परेचर को इनक्रीज करता है जिसके कारण सिस्टम का ओवरऑल इफिशियंसी इनक्रीज होता है इसके बाद रिमेनिंग फ्लू गैसेस और स्मोक को चिमनी के थ्रू एयर में एग्जिट कर देते हैं चिमनी का हाइट लार्ज रहता है ताकि आसपास का जो एरिया है वो पोल्यूटेड ना हो सके क्योंकि चिमनी से निकलने वाले स्मोक से एयर पोल्यूशन होता है इसलिए थर्मल पावर प्लांट में जो चिमनी रहता है उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा रहता है यही साइकिल कंटिन्यू रिपीट होते रहता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इस तरह से थर्मल पावर प्लांट में कोल के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है देर आर मेनी एडवांटेजेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज करते हैं जो कि डीजल और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल से चीपर होता है थर्मल पावर प्लांट का कैपिटल और इनिशियल कॉस्ट जो है वो हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम होता है थर्मल पावर प्लांट लोड सेंटर के नियर में लोकेटेड रहता है इसलिए इसमें ट्रांसमिशन लॉस कम होता है थर्मल पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने में लेस स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट का जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो हाई होता है इसमें यूज होने वाला फ्यूल दैट इज़ कोल जो कि ईजिली अवेलेबल रहता है जिसको पावर प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अल्सो देर आर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट स्मोक्स एंड एसेज प्रोड्यूस करता है जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है कंट्री के अलग अलग पार्ट से कोल को ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है सो वी कैन से इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव थर्मल पावर प्लांट को मेंटेन करने में हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है थर्मल पावर प्लांट का जो लेआउट है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें